वृंदावन। तो ये लोग आज वृंदावन में होली खेलने के लिए गई थी, कान्हा की नगरी। इसके बालों का कलर अभी भी छूट नहीं गया है। तो वो देखे है ना टॉयलेट वाला मूवी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन फ्रेंड्स। तो आज जो है मुझे छोड़ करके ये लोग गई थी आज घूमने के लिए। कहाँ गए थे घूमने जी? वृंदावन। तो ये लोग आज वृंदावन में होली खेलने के लिए गई थी, कान्हा की नगरी। और हम यहाँ पे दिन तो बता दीजिए, डेट तो बता दीजिए क्या है। क्या आजकल डेट तो बता दीजिए। आज है 3 मार्च। तीन? अब कहाँ तीन रहा? हाँ हम लोग अभी आए हैं, 1:10 पर भी मैं घर पे पहुंची हूँ रात के। और मतलब 3 तारीख को हम लोग गए थे, ये बता बोल रहे हैं कि ये बता दीजिए। कान्हा जी के लिए ही सामान लेने के लिए गई थी मैं। तो कान्हा जी का जो जो सामान हमारे पास जो कम था, जो नहीं था, वो अब सारा कुछ आ गया। जैसे कि इनका ये बेड, ये बेड आ गया, इनका ये वो, बेड वो भी इनका ना वो है। ये देख रहे हैं, तो मस्त एकदम दीवान है ये। हाँ अब इस पे कान्हा जी सोएंगे मस्त। क्या और सामान तो उसी के पास आ गया। मैं कान्हा जी के कपड़ा पर लिए थे, हम अच्छा कर ले लीजिएगा। कॉटन के कपड़ा लिए थे समर के लिए। तीन चार तीन तो पूरा कपड़ा होली लिए। खेल के आए नहीं वृंदावन से? आपको अरे पूरा हम लोग चल रहे हैं, इतना भीड़ ले लेके फेंक रहा है सब पे, आप पे तो और फेंक रहा होगा। ऐसा कुछ सब पे फेंक। लेकिन हाँ एक तो प्रैंक कर दिया यार मेरे पे, पता है बाप क्या? रे बाप। ऐसे बकेट में लिया, इतना बड़ा बकेट था जो स्टील का नहीं होता है, ऐसा रखा हुआ है सर पे। अब तो हम गए ऐसे लिया है। हम बोले देखिए बच्चा है साथ में, फिर पानी मारा मना लेगा, फिर ऐसे कर दिया एकदम से, कुछ था ही नहीं उसमें। अच्छा हम बोला कि लो अब तो मतलब नहला दिया हम लोगों को, तो वही हम बोले कि लो वहां पर ही प्रैंक हो गया हम लोगों को। बहुत अच्छा लगा बच्चा लोग साथ, लेकिन आप लोग रहते साथ में तो कम से कम बच्चा लोग देखते ना, इसलिए बहुत हाँ, ज्यादा। इसीलिए हम लोग ले जाती है बच्चा देखने के लिए। अपने एंजॉय करेंगे, हम लोग बच्चा देखेंगे नहीं, हम लोग बच्चा देखने वाले हैं। इसलिए हम आज अपना ऑफिस में मस्ती कर रहे थे और ये अपना उधर वृंदावन में होली खेलने गई थी। आया ना मजा अकेले घूमने में। आप घर कब आए थे? हम आए थे, हम सुबह ही आ गए हमसे बोल रहे हैं कि आज पोपे दादर आप लोग गए, ऐसे पूछे ऐसे लगा है क्या इनका प्लानिंग है? बाप रे थे। मतलब ऐसा प्लानिंग था तो हम तो प्लानिंग किए भी। क्या किए, क्या किए क्या, आपको क्या है पता? पखड़ी उड़ी, ये भगवान सब जगह अभी रबी लग गया है, देख रहे हैं। तो अच्छा लगा मतलब, लेकिन ना क्या बताए इतना भीड़ था। बाकी बिहारी जी का मंदिर में मतलब हम लोग अंदर आधा तक अंदर गए, मतलब जैसे ही अंदर जाते हैं ना तो फिर मतलब मंदिर एकदम उनके वहां जहाँ दर्शन, तो वहां और मंदिर का जो स्टार्टिंग है उस दोनों के बीच में ही मतलब एक नहीं है सीढ़ी टाइप का नीचे उतरने के लिए, वहां तो लगा कि अब हम लोग बच्चे को लेके आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे घर, ऐसा भीड़ था। लग ही नहीं था कि मतलब कैसे से बाहर एकदम अंदर से तो डर लगने लगा था ना, कहीं छपा उपा गए हम लोग या बच्चा में से कोई भी तो क्या होगा। हम बोले करोना होगी, चलिए यहाँ तक आ गए भगवान जी का बुलावत आ गए वहां तक, लेकिन अब नहीं, बच्चे लोग का रिस्क नहीं ले सकते हैं हम, चलिए वापस। फिर हम लोग उधर से एग्जिट वाला जो गेट था वहां मतलब निकले, हम बोले कि चल नहीं, हम तो मतलब ठीक है दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन बच्चे लोग लेके अंदर नहीं जा पाएंगे। एक तो उनकी बेटी लोग इतनी इतनी को कहाँ जाएगी, दिखबो नहीं करेगी, इसको चोट लगा ना बेटा। कहाँ लगा था? पत्थर के कोने से लगा था, पत्थर वो नहीं था, पत्थर वो बेड था। वो था ना जो पकड़ने का रेलिंग होता है वो था ना, तो वो नहीं पत्थर वहां कहाँ था, पत्थर वहां कहाँ था बताओ, था, आपको नहीं दिखा होगा, इसको वाइट वाइट यहाँ नहीं था, जिसको पकड़ के चल रहे थे सब, रेलिंग वाइट वाइट होता है। सिल्वर कलर का जो होता है मेटल मेटल में वो, नहीं व्हाइट व्हाइट, इनका भी जब कपड़ा चेंज कर एग्जिट हो दिया रहे थे क्या? तब नहीं दिखा था, जब काव्या मम्मी से मैं गई थी अच्छा बापू, इतना रो रही थी ना वो, मतलब वो। करुणा पकड़ी थी कान्हा को दोनों, मतलब अपना जो उनका पालकी है उसी में, और पालती है पालकी पालकी, जो पकड़ने वाला, और हम हाँ, और काव्या को पकड़ी हुई थी। अब इतना भीड़ था कि काव्या पीछे हो गई,
अब तो उसको लगा कि लो काव्या कहाँ गई, इसको तो हम पकड़े हुए थे बहुत तेज, इसको आगे ही रखे हुए थे मतलब पीछे भी नहीं पकड़े थे, और वो आंटी गुन्नू को ली थी, अब वो छूट गई, अब पता नहीं वो कहाँ गिर गई कि क्या हुआ, बाप एकदम बच्ची गिर गया, मिल लोग ले, उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। इतना नहीं हुआ था ठीक है ओके नहीं। फिर वो थोड़ा सा आगे गई, फिर उसको दाढ़ी दिखी, कान्हा जी अब सुनेंगे नेकलेस नहीं ली। ये वाला देखिए उनकी कान्हा जी का बांसुरी यही है, ये भी यही है, ये एक ले आई हूँ मैं कान्हा जी को लेके जाने के लिए। कैसा उनका है, पगड़ी भी यही है। कैसा है जी? बढ़िया। ये जब हम मतलब क्या हुआ ना कि ऊपर ना वो लोग टांगा हुआ था बहुत अच्छा सा, उधर हम ध्यान ही नहीं दिए गए, नीचे लगा हुआ था तो उसमें हमको ये अच्छा लगा, अब जब हम अपने कान्हा को लेके इसमें हम बैठा दिए देखने के लिए कि इसमें सही से आ रहे हैं कि, फिर जाकर क्या हो सकता, तो हम बोले अब इसमें कान्हा जी बैठ गए तो यही ना लेंगे, फिर वो नहीं लिए, ठीक लग रहा है ना। एक ऐसा था जिसमें ना झूला जैसा था, और इसमें ये लिए हैं कान्हा जी का कपड़ा रखने के लिए ऐसे। मम्मा यहाँ नीचे भी जगह है, इनको पहले हटाइए। हाँ मैं देख, उसमें उनका ज्वेलरी रख देंगे, ज्वेलरी ये वाला जितना कपड़ा है ना वो सारा इसमें चिपक चिपक कर, तो कहीं जाना होगा कंबल भी तो। आप उसमें रख सकती हो। कपड़े सब तो मतलब उधर ही रह गया उन्हीं के पास, जो कपड़ा लिए थे बेटा कॉटन वाला, और चलिए गाइस तो अभी रात हो गई काफी ज्यादा, अब ये जल्दी देखिए से हम लोग सोते परफ्यूम, हैं। अब गर्मी आ गया है तो अब ये लोग परफ्यूम लगाते हैं। ये लगाए परफ्यूम जाते है, हैं, ये लगाए इयर जाते रिंग हैं। है, उई और ये हाथ बाबा वाला है, हाथ उई में पहनते बाबा हैं, और क्या लिए हैं, साहब और कुछ नहीं, और जो है कुछ उनके पास लगे प्रसाद वगैरह उन्हीं पास, आप तो खाए भी नहीं क्या करें। हाँ ये लिए हैं अंकल भी नहीं करते। होली खेलने के लिए, वहां मुझे मिल गया तो मैं ले ही ली चाहिए बुरा ना टी-शर्ट, मानो, होली है। आई लॉस्ट माई ये हार्ट इन तनीषा का है। वृंदावन। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बुरा ना मानो होली है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। ये मेरा है, आई मम्मा लॉस्ट काश, माई हार्ट इन विंडो, मम्मा तो हम ऐसे ही पहनेंगे। ये होगा आपको, हो जाएगा ना। नहीं होगा तो फड़क पड़ेगा, पापा क्या हम करेंगे दोनों का आपका। सेम है, बुरा ना अरे मानो इसमें होली है। एक्सल लिखा हुआ 42 लार्ज, हम देखे तो लार्ज मतलब ये तो कोई ब्रांड का थोड़े है जो आपको साइज का, तो लार्ज हम चेक किए तो देखे कि छोटा लग रहा है, तो फिर ये 42 साइज है। शर्ट कौन सा साइज का पहनते हैं? ठीक है छोड़िए। अरे मच्छर है, ओला भी चलाए जी। ओए शर्मा जी, इधर भी शर्मा जी बुला रही है, इधर मैं भी आपको बुला रही हूँ। शर्मा जी कैसे हैं जी? ये शर्मा जी, इस शर्मा जी के बहुत बड़े फैन हैं। फैन क्या मतलब, अच्छा लगता है, कॉमेडी है, हंसना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कहाँ कैसे पंच लाइन बोला जाए, बहुत सारा इसमें। जैसे अभी जो बस्सी है वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका वीडियो भी देखते हैं हम, अच्छा किसका? लगता है। ये जो बस्सी है अच्छा, बढ़िया कॉमेडी करता है ये। आप भी तो करते हैं, हम कॉमेडी करते हैं। तो क्या करते हैं? ना लिए यार, रात के 10 बज रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, नहीं सुबह 10:05, सुबह रंग बिरंगे हो गया, और मुझसे रात हो बोल गई। रहे हैं कि नहा लिए, क्या समझते हैं आप मुझे? अरे तो सुबह, हाँ मेरा पूरा अच्छे से अबीर जो भी मतलब गुलाल लगा था वो अच्छे से छूट गया है, तन्नू का नहीं छूट रहा है, पता नहीं क्यों। तन्नू जल्दी आना दौड़ के। क्या इधर आओ, गर्ल्स रॉक अगेन, बैठो। इसके बालों का कलर अभी भी छूट नहीं गया है, थोड़ा क्या बहुत रह हुआ, गया है। क्या हो गया इसमें? देखो मेरे बालों का अच्छे से चला गया पूरा कलर, तो वही पापा बोल रहे हैं नहा लिए अभी, मतलब रात के 10 बजे हमसे पूछ रहे हैं नहा लिए, मतलब ठीक से नहा लिए, हम ये कहना चाह रहे थे मतलब आप हम मुझे देख के बताइए ठीक से नहा लिए? हद है, कलर है बाल में देखिए तो एकदम पूरा भरा हुआ था, मतलब कल इतना सर में दर्द हो रहा था मेरा, कल ना मेरे आंख में गुलाल चला गया था। हाँ तो जाइएगा वृंदावन में होली खेलने के, वृंदावन में होली होता है, लाठी उठी नहीं पड़ा आप लोगों को? नहीं हो रहा था। हाँ लठ मार होली होता है वहां, तो हमको लगा था कि दो चार लाठी देता तो ठीक रहता हम लोगों को, सुटा जाते बढ़िया से। क्या ओ बैठो ना, आउच पता नहीं क्या हो गया, खांसी रुकी नहीं रहा, मतलब कलर फेंके जा रहे थे गला में, कुछ लगता फंस गया है। वो आपका
आप लेकिन मिस कर दिए क्या? हाँ क्या, कितना अच्छा आप लोग जाते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, हम लोग कुछ एंजॉय नहीं कर पाए। मन था अकेले जाने का तो हम कहां से जाते हैं? अकेले जाने का आपका ऑफिस था ना, परसों झूठ मूठ को छुट्टी ले लिए थे आप। हम तो बहुत कुछ एक होता है कि इमरजेंसी कुछ है तो छुट्टी ले जाए, आज मन नहीं है तो छुट्टी ले लिए। वही अगर परसों गए रहते तो कल आराम से लोग जाते। आप लोगों का प्लानिंग भी तो सही होता है। छोड़िए क्या बोले, प्लानिंग कुछ करके नहीं गए थे हम लोग, एक्चुअली भैया का वहाँ कुछ ऑफिस घूम लिए ना अकेले। आपने हम रहते तो एंजॉय नहीं कर पाती। आप रहते तो एंजॉय करते, तनु पकड़ते, बच्चे लोग पकड़ते, इसीलिए तो बोल रहे हैं आप चलते थोड़ा अच्छा रहता। ठीक है, हम जाते कल बच्चे पकड़ते। हाँ एक तो बार उन लोग दर्शन नहीं कर पाए, अगर ये रहते तो अपना बाहर बच्चे लोग को संभाल कुछ भी। और आप दबती अंदर दबते क्यों, तुम लोग वैसे दब रहे थे, हम लोग तो ठेल ठेल के घुस जाते। इतना है इतना है दब 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 दब। ठीक है, आपसे ज्यादा पावर है हमको, क्या समझ रखे हैं हमको, समझे हमको, हम तो कमजोर है, बुढ़ा गए तो सही में बुढ़ा गए, पेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, जाइए डॉक्टर को दिखाइए। हाँ तो क्या, तो वहाँ लट मार जो होली होता है वो दूसरे गांव का लोग से होता है कि बीवी और पति में होता है। वो देखे है ना टॉयलेट वाला मूवी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, क्या था मूवी, टॉयलेट क्या था, पेशाब एक प्रेम कहानी, कैसे मारती है अपना पति को अक्षय कुमार को, वैसे ही वहां होता तो जितना मतलब 10-11 साल शादी का में जो भी गुस्सा है सब निकाल देते हैं। नहीं तो उसके लिए लठमार होली का इंतजार करना, आप तो ऐसे भी निकाल देते हैं। ऐसे कब निकाल रहे हैं अभी, क्या कर रही मतलब गजब हाल है, मतलब इस बहाना चाहिए, वो तो अलग मजा था ना, ये तो मतलब अपने हिसाब से ना होता, उसमें हिसाब से नहीं होता, देते जाते खूब मजा आता। लेकिन वैसा होली यहाँ पे होना चाहिए। इस बार हमारे सोसाइटी में बहुत सारा नया नया चीज होने वाला है होली में, पूरा एक लंबा चौड़ा मेल आया है कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं, फूल से भी होली खेला जाएगा पूरा, भगवान क्या था उसमें क्या था उसमें पता क्या देवता लोग, मतलब पूरा ये टावर है ना उधर JHK और फिर ABC टावर को लेके DEF7 टावर तक वो कुछ, तो अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। फूलों की होली होगी, उसके बाद 9 बजे से फिर वो क्या जो मटका नहीं फोड़ते हैं वो होगा, बहुत सारा चीज होने वाला है इस बार होली में, तो होली का ब्लॉग हम लोग बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, देखिएगा किस तरीके से होली सेलिब्रेट हो रहा है सोसाइटी में। भूत बन जाएगी ये लाल करके आएगी मुंह और हम मुंह काला करके आएंगे, कहीं से पी के जाके मुंह तो काला करवाइएगा और क्या करवाइएगा। मेरा प्लानिंग कुछ और है, हम कहीं और जाएंगे। कहां? आप लोग सोसाइटी में होली मनाइएगा, हम कहीं और मनाएंगे। ठीक है, टंगड़ी कटा जाएगी, टंगड़ी हाँ। जा रहे हैं को बड़ा चाकू लेकर आएंगे, वो जो नहीं होता है एकदम मोटा वाला सब नॉनवेज काटता है, उसी से काट देंगे। जा रहे हैं, ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जा रही है, जहाँ पैर बाहर निकला ना बस निशान लगाना सीखना है हमको, किचन से वहां पर खड़े होके वहीं से फेंकेंगे, फालतू का दिमाग मत लगाइए, कहीं उल्टा पुल्टा चीज कट गया ना तो फिर लेने का देने पड़ जाएगा असल में। क्या हुआ? अरे मतलब पैर की जगह हाथ कट गया, कहीं गला पे लग गया। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? चलिए हटिए, चाकू फेंकिए तो कहीं भी तो लग सकता है ना। नहीं आप कुछ और कहना चाहते हैं? पागल बकलोल की सही में सुंदर है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है ये, बकलोल है ये। आप जरा बोलिए हमको। ठीक है, आप क्या बोलना चाह रहे थे बता दे, बताइए क्या बोलना चाह रहे थे? नहीं बोलना, खाली दिमाग में खाली बस पता नहीं क्या भरा हुआ रहता है। एक बात बताइए आप लोग, जिस तरीके से ये बोले उस तरीके से कोई क्या समझेगा? जिसके पास दिमाग होगा वो बहुत कुछ समझ सकता है, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो और क्या समझ सकता है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं बाद में, पहले इसको उठा के पटके हैं, मतलब बहुत कुछ लड़ने का मन कर रहा है। नहीं हमको, चलिए ना आज आपको हम लड़ाते हैं अच्छे से, किसी को बुलाए हैं। ठीक है, बाय, सब भिड़ाएंगे आपको, देखते हैं कौन जीतता है।
चलिए इसको बोलने दे, फालतू का फालतू बोल रहे हैं, फालतू इंसान हम नहीं है। बाय। होली का भी पेंडिंग है बेटा, बहुत कुछ।